वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, रिलायंस आज गजब कर रहा है, 1.5% का उछाल, 2819.90, ये बीएसई का आज का जो हाई है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 19 लाख करोड़ के पार, देश की सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जाता हुआ। अच्छा, रिलायंस की अहमियत आज के सेशन की, जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लग रही है डॉक्टर साहब, और देखिए कैसे एक तरफा वो बजाज फाइनेंस, वो इन्फोसिस, कोई आईसीआईसीआई एक्सिस की वीकनेस को काफी हद तक एब्जॉर्ब करने की, मैं इकलौते ही स्टॉक है जो आज के सेशन में एकदम सॉलिड आउट परफॉर्मेंस, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे किस तरह से बाकियों की वीकनेस को काफी हद तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हुआ। शर्मला जोशी जुड़ती हुई आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी, सचिन के पास जाने वाला हूं उनके लिए एक बढ़िया ट्रेड ओपनिंग के बाद देने के लिए, लेकिन शर्मला ये रिलायंस में इस तरह की स्ट्रेंथ, इस तरह का मोमेंटम, ये सब जो डील अनाउंस होनी है उसका फायदा है या रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में कि वो जीआरएम सिंगापुर के सॉलिड थे तो शायद यहां के नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग हो गए, रिलायंस की ऑप्टिक्स के पीछे रियल रीजन क्या है? Honestly, I think it's a mix of everything, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक वजह है, लेकिन I think market recognizes कि एक अच्छी डील भी हुई है, numbers भी अच्छे आ सकते हैं, और इस तरह के markets में जहाँ पर काफी हम देख रहे हैं कि really honestly कल जिस तरह से market बंद हुए थे मुझे लगा था कि आज हम एक अच्छी opening देखेंगे, लेकिन overnight क्यूज खराब रहे। So what I'm trying to say is ऐसे volatile markets में लोग ऐसे स्टॉक्स ऐड करना पसंद करेंगे या ऐसे स्टॉक्स खरीदना पसंद करेंगे विच आर गुड फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि नियर टर्म वॉलेटिलिटी दिख रही है मार्केट में। सो फॉर मी रिलायंस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, तो मेरे हिसाब से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस, और इट्स कोई ना कोई सेक्टर आई थिंक जरूर निकलता है हर एक दिन जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, एंड टुडे इट हैपेंस टू बी रिलायंस इज डूइंग। रिलायंस पे आपका ये ठीक है, याद रखिएगा कोई भी कॉल लेने से पहले, ट्रेड लेने से पहले एक अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है।